इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल अपील पर सरकार की ओर से बहस पूरी हो गई। उसके बाद अफजाल अंसारी की ओर से भी सरकार की अपील के विरोध में तर्क रखे गए। समय अभाव के कारण कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखने को कहा है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के सामने राज्य सरकार की अपील पर अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गैंग एक्ट में अफजाल अंसारी को कम सजा सुनाई है। ट्रायल कोर्ट ने ऐसा करने के पीछे अफजाल अंसारी की उम्र यानी 70 साल और उनके दो बार सांसद और कई बार विधायक चुने जाने का हवाला दिया, जबकि कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को अभियुक्त की आयु उस समय की देखनी चाहिए जब अपराध हुआ था और तब अफजाल अंसारी की आयु 58 साल थी। एजीएच जेके उपाध्याय ने अपनी बहस में यह भी कहा, ट्रायल कोर्ट ने अफजाल अंसारी के सांसद और विधायक चुने को भी कम सजा का आधार बनाया है, लेकिन यह भी उचित नहीं किया गया। एजीए ने देश को दुल्हन, डोली को सांसद और सांसदों को कहार के तौर पर बताते हुए तर्क दिया, जब डोली उठाने वाले कहार की पथ भ्रष्ट होंगे तो दुल्हन के भविष्य की स्थिति समझी जा सकती है। जिन पर देश को भविष्य बनाने का दायित्व है, वे अगर अपराध करें तो उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए और ऐसा ही ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए था। पीयूष राय के अधिवक्ता सुदृष्ट ने जेके उपाध्याय के तर्कों पर पूरी तरह सहमति जताई। उसके बाद अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और डीएस मिश्र और एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय ने कहा, अभियोजन पक्ष ने जो गैंग चार्ट बनाया है उसमें कई सदस्य बनाए गए हैं, लेकिन गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही केवल 3 लोगों पर हुई। ट्रायल कोर्ट में विवेचक के बयान से यह साफ है कि ऐसा राजनीतिक द्वेषवश किया गया है। इसके अलावा जिस मूल मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई उस मामले में उन्हें बरी किया जा चुका है और गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे के बाद उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए और वो भी 2009 और 2014 के चुनाव को लेकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़े। ऐसे में अफजाल अंसारी को दी गई सजा निरस्त होनी चाहिए। गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर के स्पेशल कोर्ट MPMLA ने 4 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की। अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था। हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से मना किया। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।